अभी रेकी की तो बात हो ही रही थी, अभी कुछ न्यू कंसेप्ट आ रहे हैं, प्राणिक हीलिंग पुराना मतलब न्यू मतलब अभी बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म हो रहा है इनमें, लाइक पीपल आर ट्राइंग टू यू नो इसको प्रोफेशन बना रहे हैं एक्सेस बास, तो इनका लाइक इनका महत्व है कुछ या इनकी नीड है अभी कुछ नहीं, लाइक पीपल ऐसा लोग कर रहे हैं तो क्यों? लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों को कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ लोग करेंगे, लोगों का काम है करना। कुछ और हमारे फ्रेंड्स हैं वो लोग बॉडी वर्क थेरेपी कॉस्मिक ऑर्गेज्म, बहुत सारे नाम लोग हैं, आई एम अवेयर जितने भी नाम लोग हैं सारे नाम हैं, उसमें कुछ सार ज़्यादा निस्सार, किसी भी चीज़ में हमेशा सब कुछ निस्सार नहीं होता, यानी सब कुछ बेकार नहीं होता, थोड़ा सार बाकी सब कैमोफ्लेजिंग, आप नए नए मेथड बनाइए, नई नई हीलिंग इन्वेंट करिए, और एक ही हीलिंग है केवल, वो आपका माइंड और आपके माइंड के सजेशन लेने की कैपेबिलिटी, प्रैक्टिकल और क्लियर, उसी का यूज हर कोई करता है, इसके सिवा कुछ नहीं। नई नई चीज़ें क्यों आती हैं? कि पुरानी चीज़ पर आप इम्यून हो जाते हैं तो अब वो असर नहीं करती, तो फिर नई चीज़ से आप ज़्यादा कन्विंस होते हैं कि अच्छा ये वाली बहुत नई चीज़ आई है, फिर इम्पोर्टेड आने लगती बाहर से, जैसे तमाम चैंटिंग ग्रुप वो भी तो चल रहे हैं ना, जब अपने वाली देसी चैंटिंग ख़त्म हो जाती है उसका काम नहीं चलता तो फिर इम्पोर्टेड चैंटिंग लेके आते हैं, देसी वाली हो गई उससे काम नहीं हो रहा था कि तो रोज ही घर में, अब ये इम्पोर्टेड वाली चैंटिंग आई है, चैंटिंग ग्रुप बने हैं, एलीट लोगों ने उसको ग्रुप बनाया हुआ है, तो जाके चैंटिंग करेंगे, तो करते रहो। माइंड को रोज़ कुछ ना कुछ नया बिजनेस चाहिए, उसको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन होता क्या है, होता जो उस पर लोग क्लेम करते हैं वो क्लेम बस इतना ही है कि जो जिस चीज़ में बिलीव करता है, जिसको लगता है कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी वो हो जाती है, और कभी कभी कुछ नहीं भी होता है तो इंसान को लगने लगता है हो गया, जैसे कुछ लोग बहुत सुपरस्टिशियस हो जाएं और खास तौर से गुरुजी ने चमत्कार कर दिया, इस तरह के भी बहुत सारे कल्ट चलते हैं, कई सारे बाबा लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, इतने पे काम हो जाता है उनका, हमको तो बड़ी मेहनत करनी पड़े थी 3 दिन से आपसे बोल रहे हैं, कुछ बाबा लोग ऐसे बैठ के बैठे हैं, आप जो मानिए उनसे वो होता रहेगा, क्योंकि वो तो आप कोई पत्थर रख के भी मान लीजिए 100 लोग मानेंगे उसमें से 20 का कुछ ना कुछ होगा ही, जो 80 का कुछ नहीं होगा वो कभी पूछने नहीं आएंगे, 20 चल देंगे, फिर आएंगे 20 चल देंगे, 20-20 करके साल 2 साल में वो 1000 हो जाएंगे, फिर 1000 जब 1000 का ग्रुप हो जाएगा तो पावरफुल हो जाएगा, 1000 लोगों के काम बन गए। अब आन के शुरू करे कोई अनंत सी बस लड़का हो जाए हमारे यहाँ, अब 2 ही तो होंगे, लड़की होगी या लड़का होगा, तीसरा तो कुछ होने के चांस है नहीं, और एवरेज में ऑलमोस्ट 50-50 का नेचर रखती है, थोड़ा बैलेंस आजकल गड़बड़ाया हुआ है लेकिन नेचर तो 50-50 का ही मान के चलती है, मतलब उसका तो स्टेटिस्टिक्स वही है। अब अगर साल 2 साल ऐसे लोग आते रहें तो प्रसिद्धि हो जाएगी, शिवानी के यहाँ मत्था टेकने जाओ लड़का होता है, क्योंकि साल 2 साल में तो तमाम लड़के हो जाएंगे, या किसी को लड़की चाहिए तो लड़कियाँ हो जाएंगे, वट एवर जिंदगी, या तो आप सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे, तीसरा तो कुछ विकल्प नहीं। नेता लोग इसीलिए बहुत अंधविश्वासी होते हैं क्योंकि चुनाव लड़ोगे तो 2 ही काम तो होंगे, जीतोगे या हारोगे, तो अगर हम सबको जीतने का आशीर्वाद थोक में देते चलेंगे तो कुछ तो जीतेंगे, जो जीतेंगे वो भक्त हो जाएंगे, जो हार जाएंगे वो उनको कुछ ना कुछ रीज़न समझा ही देंगे कि तुम ठीक से नहीं किया, तुम्हारा विश्वास नहीं था, तुम आए थे तुमने टोपी नहीं पहनी थी और तुम ऐसा नहीं किया, उसका तो लॉजिक कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ कुछ ना कुछ, तो ये जितने भी फेड हैं इनके बस यही मामले, और काम केवल इंसान के अपने बिलीफ से होता है या वो उस चीज़ को वैसा देखने लगता है इसलिए वैसा होता है। हीलिंग साइकिक हीलिंग केवल एक मीडियम है, उनको अगर इतना ही हम समझें और प्लेफुल रहें, उसमें इतना रिजिड ना हो कि हम ऐसा कर ही लेंगे।
अक्सर रेकी और प्राणिक का भूत जब लोगों को पकड़ता है, मेरे आसपास ऐसे बहुत लोग रहे, तो कैंसर, एड्स, रेडिएशन सब कर रहे होते हैं। फिर इसके आगे वो कार, बाइक, ट्रेन, प्लेन सबकी रेकी और प्राणिक कर देते हैं। आप पढ़िए सब। अब भाई कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, ये चीजें सुपरस्टिशन में डालते हैं, लेकिन ये है कि इंसान कुछ करेगा, बस इतनी सी बात है। यानी कि अगर आप ये क्लेम करें, सारी लिस्ट बना के, बीमारी ऐसे ठीक करी, बीमारी ऐसे ठीक करी, तो जो उसका फाउंडर है, जो सब कुछ जानता है, जिसने किताबें लिखी, जिससे किताब पढ़ के आप सीख रहे हैं, उसको तो सब पता होना चाहिए। और गूगल पे देख सकते हैं उसको कि वो क्या एज उनके ग्रुप रहा होगा, 52-55 साल ऐसे, 56 साल में, मतलब इतनी ज़्यादा एज भी नहीं, वो निमोनिया से मर गए। अब निमोनिया तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं हुई, जहाँ आप कैंसर और एड्स ठीक कर देते, निमोनिया तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई। फाउंडर साहब नहीं ठीक कर पाए, तो वो जब आते थे, वो लोग जो सिखाते थे, वो मुझसे यही कहें कि ऐसी चमत्कारिक चीज़ हमने खोजी है, लोगों को पता नहीं थी, और बताइए बड़े बड़े गुरुओं को नहीं पता थी। तो मैं उनसे पूछता था कि अगर इस एनर्जी सिस्टम और इस सब की बात करें, तो रमण रहे हों, अरविंद रहे हों, जी कृष्णमूर्ति रहे हों, विवेकानंद रहे हों, या जितने भी नाम बड़े बड़े ले लेंगे, सब किसी न किसी बीमारी से मर गए, तो उनको क्या बिल्कुल ही नहीं पता थी ये बात? तो क्योंकि हाँ नहीं पता होगा, तो चूहा को सुई ने खोजी ना, उसके पहले पता नहीं थी ना। तो ये लॉजिक भी बढ़ता है कि भैया तो साइंस तो अभी आई है ये, लेकिन हम तो बिलीव करते रहे कि जो संत हैं उनको ये सब सूक्ष्म चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन अंत वही हुआ कि वो जो फाउंडर हैं वो भी बीमारी से ही मर गए जब उनको मरना था, वहां हीलिंग काम नहीं आई। तो जब नहीं काम आनी होती तो नहीं काम आती है, और जब काम आनी है तब तो सभी कुछ काम आता है। तो इतना उसमें इन्वॉल्व क्यों होना और इतना क्लेम करना कि हम ये ऐसा कर ही डालेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं। और मतलब वैसे तो आपको पता ही होगा, पर मुझे शुक्रिया बोलना है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पीएलआर में। पर मतलब आप बोलते हैं कि आप ज़्यादा पीएलआर लेना प्रेफर नहीं करते, पर बहुत ब्यूटीफुल अच्छा लगता है। आप लोगों को वोटिंग करा लेंगे, लोगों का मन है तो साल में 4-5 बार चलता रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि मैं चाहता हूँ उसके आगे भी आए, मतलब पीएलआर का शो चले, लेकिन जो और एडवांस चीज़ें मेरे पास हैं देने के लिए उनको भी लें।